नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक हैं और कांग्रेस पार्टी जोर शोरों से उनकी तैयारी कर रही है, मगर कहीं ना कहीं इस तैयारी में एक विघ्न पड़ा हुआ है। वो विघ्न है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बढ़ता हुआ विवाद। और अब फिर दोबारा जो है बड़े संकेत सचिन पायलट ने यहाँ पर दिए हैं और उन्होंने अपने बगावती सुर फिर दोबारा दिखाए हैं, जहां उनकी 31 मई को जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में सिंधिया सरकार के ऊपर कार्रवाई करने के लिए वो खत्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अभी तो जून शुरू हुआ है, देखते हैं कि आगे क्या करना है। और अब उन्होंने एक नया पोस्ट जो है डाला है जिसमें उन्होंने कुछ कविताओं के साथ अपने बागी सुर का कुछ अंदाज दिखाया है, जिसमें लेकिन कोई ना ही कांग्रेस नेता शामिल है, ना ही कोई कांग्रेस का चिन्ह है, ना ही उनके ट्विटर पे या फिर किसी और सोशल मीडिया पे कांग्रेस का कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो ये बड़े बागी तेवर जो हैं चुनाव से पहले सचिन पायलट ने छेड़े हैं और ये बिल्कुल जो है राजस्थान में कांग्रेस की नींव को हिला सकता है। भले ही अभी राजस्थान में कांग्रेस अपने आप को मजबूत दिखा रही हो, दोनों नेताओं के बीच जो सुलह है उसको सुलझा हुआ बता रही हो, लेकिन ये सुलह सुलझी नहीं है, क्योंकि जब मीटिंग के बाद सभी नेता बाहर आए, वेणुगोपाल ने कहा कि ऑल इज़ वेल, लेकिन वो ऑल इज़ वेल साहब कहीं दिखा नहीं। दोनों नेता आपस में एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे, एक दूसरे से जुदा जुदा थे और ये मन तभी से जुदा हैं जब से जो है जो अहमियत देना सचिन पायलट को कांग्रेस ने कम किया है, तभी से कांग्रेस की उल्टी गिनती यहाँ पे शुरू हो गई थी। और अब फिर दोबारा जो है विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है और आलाकमान को तुरंत इस पे ना कोई विचार करके जो है पार्टी को संजोना होगा, दोनों नेताओं को मनाना होगा, क्योंकि इस तरफ देखा जाए साहब तो बीजेपी पूरी तरीके से सचिन पायलट के ऊपर निशाना साधे हुई है। पीएम मोदी भी तारीफ करते हैं सचिन पायलट की और बाकी नेता भी बार बार सचिन पायलट को सीधे तो नहीं लेकिन अपने बयान से ऑफर देते हुए नजर आते हैं कि आप बीजेपी में आइए, आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और ये लड़ाई पूरी मुख्यमंत्री पद की है। तो क्या सचिन पायलट इसी तरीके से अपने बागी सुर जाहिर रखेंगे, लोगों को दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से वो कांग्रेस से बाहर आ रहे हैं, या फिर वो कोई बड़ा फैसला जो है बीजेपी में जाने का ले सकते हैं, या फिर वो कांग्रेस की मदद करेंगे और विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए जिता के लाएंगे। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।